हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान में जो आपके स्माइल 3.0 होमवर्क चल रहे हैं, तो हम आपके लिए क्लास 10 साइंस की वर्कशीट, दोस्तों ये आपकी वर्कशीट 6 जनवरी की वर्कशीट है, तो हम आपके लिए क्लास 10 साइंस की वर्कशीट का फुल सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। फुल सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले, देखने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास 10 साइंस की वर्कशीट का सोल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें अध्याय दिया हुआ है आनुवंशिकता एवं जैव विकास का, टॉपिक दोस्तों दिया हुआ है जीवाश्म से। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, फिर यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, जीवाश्म किसे कहते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर में उपस्थित दो अवशेषी अंगों के उदाहरण बताइए, तो इसके आंसर अभी हम आपको नीचे बताने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, फॉसिल डेटिंग क्या है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्कियोप्टेरिस को सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के बीच की योजक कड़ी क्यों कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, भ्रूणीय विकास का अध्ययन जैव विकास को कैसे प्रमाणित करता है। चलिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया था जीवाश्म किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों दिया है, पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म से कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। ये दोस्तों हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, मानव शरीर में उपस्थित दो अवशेषी अंगों के उदाहरण बताइए, तो इसका आंसर देख लेते हैं। पहला उदाहरण है आपका अपेंडिक्स का, तो दोस्तों इसके बारे में लिखा हुआ जानते होंगे आप, तब काम आता था जब हमारे पूर्वज घास फूस खाया करते होंगे, घास फूस के पाचन में सहायता करता था, अब तो यह डॉक्टरों की सहायता करता है, मानव के पेट में इफेक्टेड होकर निकालने के एवज में डॉक्टर साहब की नई कार की कई ईएम चली जाती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है कृमि रोग परिशेषिका का, तो ये दोस्तों दिया हुआ इसमें। दूसरा है साइनस, बेकार है, कुछ काम का नहीं सिवाय सिर में दर्द करने के। ये दोस्तों हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया था, फॉसिल डेटिंग क्या है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों दिया हुआ है, जिसमें जीवाश्म पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारित किया जाता है, उसे फॉसिल डेटिंग कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दिया हुआ है, आर्कियोप्टेरिस में कुछ विशेषताएं सरीसृपों जैसी थीं और कुछ पक्षियों जैसी, इसलिए उसे इन दोनों के बीच की कड़ी के रूप में स्वीकार किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों पांचवें क्वेश्चन का उत्तर दिया हुआ है इसमें, ऐसे अंग जो समान कार्यों में उपयोग होने के कारण समान दिखाई पड़ते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में भिन्नता पाई जाती है, समरूप अंग कहलाते हैं। यह समरूपता अभिसारी जैव विकास, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन अर्थात भिन्न पूर्वजों से एक ही दिशा में हुए जैव विकास को प्रमाणित करती है। ये दोस्तों हो गए आपके 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।